Hi guys, my name is Sanchita and welcome to this channel. This channel is dedicated to all those students who wish to qualify their NTU UGC NET exam. And before starting this video, I would like to say that ki main ye video jo hai wo din ke time mein bana rahi hu. To koi bhi agar aapko external noises ya unwanted sounds aa jaye, to I'm sorry for that. I can't help it. But please don't mind it. Aur ab kaam ki baat pe aate hain. सो कल का जो डे था वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे था हम स्टूडेंट्स के लिए बिकॉज कल द रिजल्ट वॉज डिक्लेयर्ड यस्टरडे एंड इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर मी एज वेल बिकॉज आई क्लियर्ड बोथ माई GRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एंड वॉट मेड इट मोर स्पेशल इज दैट इट वॉज माई वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट यस गाइज इट इज़ टोटली पॉसिबल to qualify your exam in your first attempt but अगर आप ऐसे student हैं अगर आप ऐसे candidate हैं जो multiple attempts दे चुके हैं पर फिर भी net नहीं हो रहा है या फिर GRF रुक रहा है तो don't worry don't get disheartened okay it's totally fine ऐसे काफ़ी students हैं जिनके नहीं हो पाते हैं और ऐसे काफ़ी students हैं जिनको मिल जाता है the only difference is that the right strategy and the इफ़ेक्टिव प्लानिंग ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप कितना अपना टाइम और जो स्ट्रैटेजी है वो सही वे में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ओके तो मैं ये पर्सनली ये बताना चाहूँगी क्योंकि मुझे काफ़ी तो नहीं आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे ये पूछा कि मैंने मेरी क्या प्लानिंग थी मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी और मैंने अपने नोट्स कैसे बनाए तो ये काफ़ी बड़ा सा नोट मेकिंग इज़ अ वेरी बिग थिंग अ वेरी बिग टास्क तो उसमें हम बाद में आते हैं सबसे पहले मैं बताती हूँ कि सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करना है क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था आई वॉज टोटली लॉस्ट आई वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट आई हैड नथिंग टू स्टार्ट विद आई हैड ओनली दिस थिंग आई हैड ओनली दिस थिंग आपको पता होगा ये क्या है दिस इज द सिलेबस राइट सो अगर आपने अपना सिलेबस प्रिंट आउट करके अपने हाथ में ऐसे रख लिया है तो आप काफ़ी आगे तक पहुँच चुके हो ट्रस्ट में अब आपको क्या करना है सिलेबस को अच्छे से आप एनालाइज करो ऐसा हो सकता है कि आपको सिलेबस का कुछ नहीं समझ आया क्योंकि मैंने जब इसको डाउनलोड करके देखा था मुझे कुछ समझ नहीं आया था तो मैंने क्या किया ये पेपर वन और पेपर टू को देखा पेपर टू मेरे को कुछ नहीं समझ आया और ये काफ़ी इन कंपेरिजन टू दिस ये थोड़ा मोटा था तो मैंने इसको रख लिया और मैंने पेपर वन पकड़ लिया ठीक है उठा लिया पेपर वन हाथ में और ये काफ़ी मुझे छोटा सा लगा मुझे लगा कि ये शायद हो सकता है बट आई वॉज रॉन्ग ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और पेपर वन ही है एक ऐसा अस्त्र आपके पास जो आपको GRF दिला सकता है ठीक है क्योंकि पेपर वन को बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करना होता है ऐसा होता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पेपर टू की समझ उनको बहुत अच्छी है क्योंकि वो अपना सब्जेक्ट होता है उनको बहुत अच्छी समझ होती है बट पेपर वन में वो कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं और फिर वो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि पेपर वन में कितना मार्क्स आए तो फिर हम पेपर टू में क्वालिफाई कर सकते हैं तो सर आई एम सॉरी ऐसे नहीं होता आपको दोनों ही पेपर इक्वली इम्पोर्टेंस देनी पड़ेंगी ठीक है अगर पेपर वन हो सकता है काफ़ी कम टाइम में आप उसको सॉल्व कर सकते हो तो मैंने क्या किया था पेपर वन में मैंने एकदम स्पीचेस से स्टार्ट किया था और आपको ये बिल्कुल नहीं करना है मैंने हायर एजुकेशन सिस्टम से स्टार्ट किया था बट मुझे वो बिल्कुल ही इतना इम्पॉर्टेंट और मतलब इतना क्या बोलूँ ईजी और समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने फिर थोड़ा शफल करके देखा तो मुझे कम्युनिकेशन थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया तो आप भी वही कर सकते हो जो भी सब्जेक्ट आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा है सिलेबस देख के आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ कंप्लीट हो सकती है आपको समझ आ सकता है आपको इंटरेस्ट बिल्ड कर सकता है क्योंकि गाइस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कोई एक टॉपिक आप जब स्टार्ट करते हो तो वहाँ पे क्या हो जाता है ना कि आपको इंटरेस्ट नहीं आ पाता तो आपको लगता है कि यार ये पूरा सब्जेक्ट ही जो है ना ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा ऐसा नहीं होता कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो बहुत ही ईजी होते हैं और आपके समझ में बहुत ज़्यादा अच्छे से आ सकते हैं और आपका इंटरेस्ट बिल्ड कर सकते हैं इंटरेस्ट बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इट कैन बी द यू नो द फाउंडेशन ऑफ योर टोटल प्रिपरेशन एज वेल सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज़ आप ऐसा टॉपिक चुनो स्टार्ट करने के लिए जो आपको इंटरेस्ट जगाए ओके सो ये हो गया सिलेबस कंप्लीट इसके बाद क्या करना है आपको आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स डाउनलोड करने ओके द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आर योर बेस्ट फ्रेंड ओके
अब क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स को अगर आप स्टार्टिंग से ही पढ़ने लग जाओगे ना, तो आई डोंट थिंक ये बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगे, क्योंकि आपको अगर सिलेबस ही सही से नहीं पता तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो और भी समझ नहीं आएंगे। ऐसे बहुत बार हो चुका है कि स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं कि यार ये तो आउट ऑफ सिलेबस ही क्वेश्चन आ गया और हमें समझ ही नहीं आया। ऐसा नहीं होता गाइस, क्या होता है ना, सिलेबस में एज इट इज शायद वो चीज़ नहीं दी हुई है, बट वो क्वेश्चन में आ जाता है ऐसे जो आप समझ नहीं पाए। तो इसके लिए क्या होता है, आपको सिलेबस की समझ बहुत अच्छे से होनी चाहिए ताकि आपको पता चले कि ये क्वेश्चन सिलेबस के कौन से पार्ट से आ रहा है। और राइट, अगर आपको इतना पता होगा तो आप काफ़ी उसमें कॉन्फिडेंस भी आ सकता है आपको कि इतने अच्छे से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि आई नो दिस थिंग। अगर शायद मुझे एग्जैक्ट समझ क्वेश्चन आ भी नहीं भी आ रहा है, उसको एग्जैक्ट आंसर भी नहीं मुझे पता है, पर फिर भी मैं एक एजुकेटेड गेस कर सकता हूँ। तो ये बात की बातें हैं, सबसे पहले आपको अपने प्रिपरेशन में ध्यान देना है। ऑल राइट, सो दिस थिंग। और नेक्स्ट है, अगर नोट मेकिंग की बात कहें तो नोट्स मैंने कैसे बनाए थे, तो गाइज दिस इज माई नोटबुक, दिस इज आई वुड से दिस इज माई होली बुक। आई डोंट वॉन्ट टू फील, आई डोंट वॉन्ट टू बी ऑफेंसिव कि ये मेरे लिए लिटरली मेरा होली बुक ही है, क्योंकि मैंने अपनी सारी पढ़ाई इसी से की थी और मैंने अपना नोट्स पूरा इसी में बनाया था। और कुछ ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे पूछा कि मैं अपने नोट्स आपसे शेयर कर लूँ, तो गाइज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने नोट्स आपसे शेयर करने में, बट वट आई एम ट्राइंग टू से दैट कि शॉर्टकट इज नॉट द आंसर। ओके, आपको अपने नोट्स खुद बनाने हैं, एंड आई जस्ट कैन नॉट स्ट्रेस इट एनफ कि आपको अपने नोट्स खुद बनाने चाहिए, शॉर्टकट का कोई विकल्प नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब शॉर्टकट इज नॉट द आंसर फॉर एनीथिंग। अगर आपने मेहनत करके अपने नोट्स बनाए हैं तो आपको समझ आएगा, आपको पता रहेगा कि कैसे क्या और कब इम्प्लीमेंट करना है। ओके, बट मैं आपको एक चीज़ बता सकती हूँ कि नोट मेकिंग कैसे करें, नोट मेकिंग का पैटर्न क्या होना चाहिए, सही पैटर्न। तो आपको बहुत पता होगा कि हम जो एक बुक पढ़ रहे हैं या फिर किसी का लेक्चर सुन रहे हैं तो हम वो लाइन टू लाइन लिखने लगते हैं। ठीक है, ये नहीं करनी है, नोट्स में नोट मेकिंग ऐसे नहीं बनती है, आपको शॉर्ट नोट्स या फिर माइक्रो नोट्स बनानी होती है। ठीक है, मैं आपको अगर अपनी नोटबुक दिखाऊँ तो ये मेरा जो वास्ट सिलेबस का नोट कवर करता है और ये एक मेरा शॉर्ट कॉपी था, तो मैंने इसको ज़्यादा तो भरा नहीं है, मैंने शायद कुछ ही पेजेस इसमें लिखे होंगे, बट ये मेरा नोटबुक काफ़ी भरा हुआ था और इसमें पूरा ही मेरा सिलेबस कंप्लीट था। और राइट, तो मैंने क्या किया था, मैं लेक्चर सुनती थी और उनके वो जो लेक्चर बताते थे मुझे और जो भी मुझे समझ आता था तो वो मैं अपने हिसाब से लिखती थी, अपने पॉइंट्स में लिखती थी, और मैं कुछ बड़ा सा पैराग्राफ वगैरह या फिर ऐसे बिल्कुल नहीं लिखती थी। और आप भी मत लिखिएगा, क्योंकि ये हम ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं या ना तो हम मास्टर्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आपकी पढ़ाई जो है ना वो उसी हिसाब से होनी चाहिए, आपको कम शब्दों में ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझना है। तो आपको क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है और उसको कम से कम शब्दों में अपने कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो मैं एक क्लिप इसका आपको इसमें ऐड कर दूंगी तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया नोट मेकिंग की बात। अगर आपको इसका इसके ऊपर एक डिस्क्रिप्टिव लाइक डिस्क्राइबिंग वीडियो चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो, मैं इस पर दूसरा एक वीडियो बना दूंगी। ऑलराइट, सो नेक्स्ट थिंग इज क्या बुक मैं यूज़ करती थी या क्या बुक मैंने पढ़ाई की है। तो गाइस आई डोंट नो अगर आप विश्वास करोगे या नहीं, बट मैंने बुक्स बहुत ही लिमिटेड रखी थी अपने स्टडीज में और मैंने कोई न्यू बुक नहीं खरीदी थी। मेरे पास ये दो बुक्स है, ठीक है, आप देख सकते हो ये दो बुक्स, और ये दो बुक मेरे अपने नहीं हैं, ये मेरे भैया के बुक है। ओके, सो ये जो पहला बुक है आप देख सकते हो, ठीक है, दिस इज ट्रूमैन स्पेसिफिक सीरीज नेट स्लेट, और ये जो एडिशन है ये 2017 का एडिशन है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये बुक लो, क्योंकि आपको इतना हेल्प नहीं हो सकता। मैंने ये बुक में बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा ढूंढना पड़ा था इस बुक से चीज़ें, तो इतना ज़्यादा मुझे हेल्प नहीं आया था। बट मुझे इस चीज़ का इस बुक में क्या हेल्प हुआ था वो है इसके जो पीछे दिए हुए जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, तो प्रीवियस ईयर पेपर मुझे इसमें
ढंग से साथ में मिल गया तो दैट वॉज हेल्पफुल फॉर मी. बट अगर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर्स के लिए चाहिए तो आई वोंट सजेस्ट कि आप बुक्स पे अपना पैसा खर्च करो. आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन भी मिल जाएंगे विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ योर मनी. ऑलराइट, सो नेक्स्ट बुक है ये पेपर वन के लिए है. ये भी ट्रू मैन स्पेसिफिक सीरीज से ही है. वो पेपर टू का बुक था. ऑलराइट, और ये पेपर वन का बुक है. ये भी आप देख सकते हो, ये भी 2018 का एडिशन है. ठीक है, तो आई वुड से कि आपको पेपर वन का अगर बुक कोई चाहिए तो आप केवीएस मदान वो बुक ले सकते हो. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, अगर आपको लेनी है तो आप बिल्कुल ले सकते हो. ठीक है, तो ये कुछ बुक्स थी और नोट्स थी. अगर आपको इस पे इलैबोरेट वीडियो चाहिए तो मैं बिल्कुल बना दूंगी. आप मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हो कि आपको स्पेसिफिक कौन से इश्यूज पे कोई वीडियो चाहिए. और अगर नेक्स्ट मैं बात करूँ कि क्या चीज़ करनी है या फिर क्या चीज़ नहीं करनी है, तो सबसे पहले तो मैं ये नहीं बताऊँगी कि मैं कितने टाइम तक पढ़ती थी दिन में, कितना मैंने समय दिया इस चीज़ को. क्योंकि हाँ, ऑब्वियसली मैंने समय दिया है, मैंने अपनी तैयारी को बिल्कुल समय दिया. बट ये काफ़ी सब्जेक्टिव एक टॉपिक है, क्योंकि मैंने मेरे पास टाइम था, मेरे पास कुछ करने को और कुछ था नहीं, तो मैं पढ़ाई करती थी. और ऐसा नहीं है कि मैं दिन में 24 घंटे 20 घंटे 12 घंटे पढ़ती थी, ऐसा नहीं था. वो टाइम टेबल बनाया था मैंने, तो मैं भी आपको वही सजेस्ट करूँगी कि आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ और अपने अनुसार. क्योंकि ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो जिनको अपना घर संभालना पड़ता है, जो जॉब कर रहे हैं, जिनके बच्चे हैं, उनको सबको संभाल के आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी. तो फिर मैं ये नहीं बताऊंगी कि आपको दिन के 8 घंटे पढ़ो तो ही आपका नेट निकल रहा है, तो या फिर दिन के 16 घंटे पढ़ो तो ही आपका नेट निकलेगा. ऐसी बात नहीं है. आप अपने वे में पढ़ाई करो, आप अपने वे में अपने इनपुट्स दो, अपना टाइम टेबल बनाओ और उसको अच्छे डिसिप्लिन मेंटेन करके उसको आप मेंटेन करो. ओके, उसको आप फॉलो करो तो बिल्कुल आपके अंदर वो एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाएगी आपकी. एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. आई जस्ट कैन नॉट स्ट्रेस इट इनफ कि ये जो कॉन्फिडेंस होता है ना, ये अलग ही एक मात्रा पे होती है. कि आपको पता होता है एग्जाम देने के बाद, आपको पता होता है कि मैंने ये क्वेश्चंस सही कर रखे हैं और मेरा नेट कोई रोक नहीं सकता है. क्योंकि गाइस मैं ये भी बताऊंगी कि आजकल जो लास्ट टाइम से आप देखो, अगर आपने प्रीवियस ईयर कट ऑफ या फिर क्वेश्चन पेपर अगर आपने एनालाइज कर रखा है, तो 2019 के जो जून का कट ऑफ था, जनरल का मैं बात कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से देख लेना. तो जनरल में जो जेआरएफ का कट ऑफ था वो अराउंड 60% था. ऑलराइट, और एक ही छलांग में वो दिसंबर के 2019 दिसंबर का जो जेआरएफ कट ऑफ था वो 66 बन गया. ऑलराइट, और इस साल जो जेआरएफ कट ऑफ है वो 67.3% है. तो आप देख ही सकते हो कि विद टाइम जो कट ऑफ है वो बढ़ रहा है. तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पेपर टफ आ रहे, क्वेश्चन पेपर बिल्कुल टफ नहीं आ रहा गाइस. बट आपकी जो तैयारी होनी चाहिए ना, वो ऐसा हो कि कोई भी शायद क्वेश्चन आ जाए, आप अपने वे में ऑनेस्ट रहो, आप अपनी मेहनत से ऑनेस्ट रहो और आप बहुत ही इजी वे में इसको, आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो. अगर मैं ये बताऊं कि क्वालिफाई करना कितना मुश्किल है, तो बिल्कुल मुश्किल है गाइस. बिल्कुल आप इसको लाइटली मत लीजिएगा. ये मत सोचिएगा कि मेरे पास बहुत टाइम है. 6 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं और नहीं भी होते. अगर होते हैं तो आपको अगर लग रहा है कि आपने बहुत सारे वीडियोस ऐसे देखे होंगे कि 15 दिन में आप जीआरएफ बन जाओगे, 12 दिन में आप जीआरएफ बन जाओगे, गाइस आई डोंट नो कि कैसे हो सकता है. क्योंकि अगर आप में पहले से मोटिवेशन है, अगर आपको पहले से तैयारी है, तो शायद आप कर लो. ठीक है, मैं ये नहीं बताऊंगी कि कोई कर ही नहीं सकता, शायद हो सकता है. बट अगर आपको सेफ रहना है, अगर आपको बिल्कुल ही सही से अपनी प्लानिंग स्ट्रैटेजी सब एकदम सही वे में, सही फ्लो में करनी है, तो स्टार्ट राइट नाउ. आपको किसी भी चीज़ की बुक की या फिर किसी भी चीज़ की वेट करने की कोई जरूरत नहीं. आपके पास जो भी रिसोर्स है तो वो आप उसको हेल्प में ले सकते हो. नाउ मैं और एक चीज़ के बारे में बताऊंगी कि रिसोर्सेज. ओके, कि मैंने कहाँ से पढ़ाई की. तो मैं तो पहले ही बता चुकी हूँ कि मैंने बुक्स से इतना ज़्यादा हेल्प नहीं लिया था. मैंने अपना जो पढ़ाई का जो बेसिस था, मेरी जो स्टडी प्लानिंग थी, वो मैंने अपना
अराउंड 90% आप बोल सकते हो मैंने ऑनलाइन ही की थी, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन वी आर वेरी लकी गाइज कि हम लोग ऐसे टेक्निकल वर्ल्ड में रह रहे हैं कि एवरीथिंग इज एट आवर फिंगर टिप्स लिटरली, राइट. तो आप उस चीज़ का बिल्कुल बिल्कुल लाभ उठाओ. आप जितना डेटा आप दूसरे सोशल ऐप्स पे लगाते हो उससे अच्छा है आप यूट्यूब पे सर्च करो, या फिर काफ़ी ऐसे भी ऐप्स वगैरह हैं जो बहुत अच्छा प्रोवाइड करते हैं कंटेंट अपना, जैसे अन अकेडमी है या फिर ग्रेडअप है. ये दो जो ऐप्स हैं उन्होंने मेरे को बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया था, और मैंने काफ़ी उनके वीडियोस देखे हैं, मुझे कंटेंट उनका बहुत पसंद आया था, और मैंने उनसे अपने नोट्स भी बनाए थे. और वो बिल्कुल आप उससे हेल्प ले सकते हो फॉर बोथ पेपर वन एंड पेपर टू. एंड फॉर पेपर टू एजुकेशन सब्जेक्ट सबसे अच्छा जो आई वुड से मैंने जो बहुत ज़्यादा उनसे हेल्प ली है एंड दैट इज़ ज्ञान स्थली अलका मैम. उनके वीडियोस बहुत ही अच्छे बनते हैं, उनके जो कंटेंट है वो बहुत ही एग्जाम स्पेसिफिक होते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा वो इधर उधर का नहीं बताती है क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती, जितना ज़रूरत होता है वो आप उससे अपने नोट्स बना सकते हो. और अगर ऐसा कोई नोट, अगर ऐसा कोई टॉपिक है जो आपको लगे कि शायद ये टॉपिक सही से कवर नहीं हो पा रहा है या फिर सही से समझ नहीं आ रहा है, तो आप दूसरे चैनल से भी हेल्प ले सकते हो. आपको क्या करना है, आपको सिलेबस देखना है, सिलेबस का जो कीवर्ड है, ठीक है, कीवर्ड आपको सर्च करना है और आपके पास ढेरों आंसर्स आ जाएंगे. ऑलराइट. और फिर भी अगर आपको कुछ भी स्टडी मटेरियल से प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. मेरे जो कमेंट बॉक्स है उस पर कमेंट करके आप बता सकते हो कि आपको क्या क्वेश्चंस समझ में नहीं आ रहा है, या फिर कोई भी एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए, या फिर कोई भी एक्स्ट्रा टिप्स चाहिए, तो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू. एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइस विद एनीथिंग पॉसिबल. सो डोंट वरी, बिल्कुल अपना जो माइंड है वो शांत रखो और बस स्टार्ट कर दो. आई ऑल्सो वॉन्ट टू शो यू वन थिंग दैट दिस इज दैट थिंग मैंने जो लिखा था. आई डोंट नो इफ इट्स विजिबल बट आई हैव रिटन हियर द बेस्ट टाइम इज राइट नाउ. और मैं ये चीज़ हर रोज अपना जो नोटबुक है ना इसको खोलती थी और मैं ये लाइन पढ़ती थी दैट द बेस्ट टाइम इज राइट नाउ. यही सबसे बढ़िया टाइम है जब आप अपना जो सक्सेस है, जो आपका गोल है, उसको प्राप्त कर सकते हो. एंड इट इज पॉसिबल. इफ इट इज नॉट पॉसिबल यू विल मेक इट पॉसिबल. ऑलराइट. सो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा भाषण देने नहीं आती हूँ, तो मैं यही बोलूंगी कि अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप बिल्कुल मुझसे बेझिझक मुझसे पूछ सकते हो. मेरे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हो, और जो भी मेरे हिसाब से होगा आई विल श्योरली विल ट्राई टू डू दैट. और अगर आपको मेरे चैनल से जुड़ना है, इस चैनल पे और भी ऐसी वीडियोस आएंगी जो एक बिल्कुल ही एग्जाम स्पेसिफिक होंगी, जो कंटेंट स्पेसिफिक होंगी और जो सिलेबस ओरिएंटेड होंगी, तो अगर आपको मेरे चैनल से जुड़ना है, कुछ भी हेल्पफुल लगा इस वीडियो से, तो बिल्कुल प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड आल्सो वो हिट कर देना नोटिफिकेशन बेल, जो भी है यूट्यूबर्स जो भी बोलते हैं. और जस्ट डू योर बेस्ट, ओके, एंड ऑल द बेस्ट. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.